वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है बायोलॉजी आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एम बनते हैं एज़ पर योर सिलेबस वो आज सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एस पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आइए शुरू करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यू नो सिक्स है वो है आपका व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सी ओ टू टू ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे जो राइट right आंसर है आपका वो बनता है ऑप्शन बी दैट इज डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा ऑफ लेफ What is the mode of transport of CO2 to the green leaves photosynthesis? So answer is Diffusion through Stromata of leaf. Next question is What are the Y products of photosynthesis in plants? Here option C is the right answer Oxygen and glucose. What are the byproducts of photosynthesis in plants? Answer is oxygen and glucose. Next question is What is the specific function of light energy in the process of photosynthesis? What is the specific function of light energy in the process of photosynthesis? Answer is activation of chlorophyll. Next question is इन बिच ऑफ़ द फॉलोइंग फॉर्म्स ग्लूकोज इज़ यूजली स्टोर्ड इन प्लांट्स सो आंसर है यहाँ पे स्टार्च इन बिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म तो इन स्टार्च फॉर्म्स ग्लूकोज इज यूजअली स्टोर्ड इन प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट रेडिएंट आर सोलर इनर्जी इन द केमिकल इनर्जी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैंने पहले, पहले ही मार्क इसलिए कर दिए हैं बिकॉज़ यू नो टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है सो so, काफ़ी समय वेस्ट होता है जब हम क्वेश्चन मार्क करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सो so, यहाँ पे ये पैसे भी हम जो है अभी लास्ट वीक रिवीजन कर रहे हैं ये ठीक है सो so, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट रेडिएंट आर सोलर एनर्जी इनटू द कैमिकल इनर्जी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल नेम ऑफ सब्स्टांसिज लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज़ जनरल नेम क्या होता है इन सबस्टांसिस का होता है कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कॉम्पलैक्स शुगर स्टार्च इज मेड अप ऑफ कॉम्पलैक्स शुगर कामा स्टॉर्च इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज इज़ द राइट आंसर विटामिन बी वन

मिल्क से जो हमें क्या नहीं प्रोवाइड होता है डाइट्री फाइबर प्रोवाइड नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सो कॉटेज चीज़ दैट इज़ पनीर बिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो आंसर इज कॉटेज चीज़ दैट इज़ पनीर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिच ऑफ द फोल्डिंग न्यूट्रिय इज़ नॉट प्रजेंट इन मिल्क तो विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फूड आइटम्स गिवन बिलो सबसे पहले है बीट घी आयोडाइज सॉल्ट स्पिनेच उसके बाद में से हम पालक बोलते हैं विच ऑफ दूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स तो यहाँ पे वन एंड टू इज द राइट आंसर बीट और घी जो है आपका वो क्या है एनर्जी गिविंग फूड है ठीक है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज दे आर काज बाय जर्म्स नेक्स्ट इज दे आर काज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट उसके बारे में है दे कैन बी पासड वन टू अनदर पर्सन थ्रू कॉन्टैक्ट्स नेक्स्ट इज दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट तो यहां पे लिखा है बिच पेयर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ए डेफेंस डिजीज देखो यहां पे डेफिशिएंसी यहाँ पे डाइट से रिलेटेड है ठीक है तो वो क्या है डेफिशिएंसी रिलेटेड दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट तो फर्स्ट तो आपका हो गया फोर वाला उसके बाद में यहाँ पे काज ड्यू टू लैक तो लैक आ गया तो दोनों क्या हो गया यहाँ पे ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सेकेंड एंड फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल एंड विटामिन प्रेजेंट इन फूड आर क्या होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज ऑकरिंग ड्यू टू द डैफिशंसी ऑफ वन आर अदर न्यूट्रींट्स इज कॉल्ड सो यहाँ पे डेफिशंसी है तो इनमें देखते हैं किसमें डेफिशेंसी है ऑप्शन ए में ऑप्शन जो सी है आपका उसमें भी डेफिशंसी है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ एक चीज़ें डिस्कस करेंगे डाइजेशन इज एकलिश्ड बाय ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर मकैनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस डाइजेशन जो है इज एक्लिश बाय वो कंप्लीट कैसे होता है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच इंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सेलिबा तो क्या होता है वो वो होता है टाइलिन टाइलिन इज द राइट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट इज बिच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड कैपिलरी तो यहाँ पे राइट आंसर है एलवियोली ऑप्शन सी विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व तो एलवियोली स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स एलवियोली स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड कैपलेयरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मसल कंटेन और रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट कार्ल मसल कुंटेन्ड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट कार्ड माओग्लोबिन मसल कंटेन्स और रेड कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट उसे क्या बोलते हैं माओग्लोबिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई कस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट आट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर राइट एंड आट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज दो आंसर इज नेान ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन अगर हम क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो यहाँ पे है इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रांस द लूप ऑफ हैंडलेज फाउंड इन द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन स्कैल्टल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दैट इज टू जीरो सिक्स बोन्स ह्यूमन स्कैल्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू जीरो सिक्स बोन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कैल्टल सिस्टम कन्सिस्ट ऑफ क्या होता है उसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वर्टेब्रा इन ह्यूमन इज कॉल्ड उसे कहते हैं एटलस फर्स्ट वर्टेब्रा इन ह्यूम इज कॉल्ड एटलस ऑप्शन

ड्वाफिजम आर द डिजीज रिलेटेड टू क्या किससे रिलेटेड होती हैं ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन का ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन ह्यूमंस इज मेंटेन बाय ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज एम एस एच नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब Closest to the ovary is infundibulum. Okay? Option B is the right answer infundibulum. The part of fallopian tube closest to the ovary is in infundibulum. Next question is Which of the following organ is devoid of glands? Answer is uterus. Option A is the right answer. Organ is devoid of glands. The uterus.

सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द एंडोमैट्रियम इज द द एन्डोमैट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ जो एंडोमैट्रियम है इज द लाइनिंग ऑफ हेयर द राइट आंसर इज सो so, यहां पे राइट right आंसर है ऑप्शन सी द एंडो मैट्रिम इज द लाइनिंग ऑफ राइट आंसर इज यूटरस ठीक है एक बार फिर से देखते हैं द एंडो मैट्रिम इज द लाइनिंग ऑफ यूटरस इज द राइट आंसर यूटरस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ द फेम्बरे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज टू क्या फंक्शन होता है रिलीज टू ओबम फ्राम द ग्रैफियन फॉलिकल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाई आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज हाइपोथैलेमस लोब ऑफ पिच्युअरी ठीक है ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन आर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय हाइपोथैलेमस लोब ऑफ फ्यूचूरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया बिच ऑफ दी बिच वन इज़ द मोस्ट सोलबल तो अगर बात करें एमंग एमोनिया और यूरिक एसिड की एंड यूरिया तीनों की तो इसमें से कौन सा जो है मोस्ट सोलबल होता है question number 22 and the right answer is question number 22 option a is the right answer that is ammonia okay option a is the right answer next question is question number 23 the process of excretion is the removal of metabolic based from the body the process of excretion is the removal of metabolic based from the body next question is question number 24 actin and मायोसिन फिलाेंट्स ऑफ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं उनको थिन एंड थिक फिलाेंट्स रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है वो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स आकर मेनली ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्लॉटिंग जो होती है डिसऑर्डर हो जो होते हैं क्लॉटिंग के ऑकर मेनली ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड आर एच एंड ए बी यू ब्लड ग्रुप ठीक है तो क्या है यहाँ पे बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड तो आर एच और ए बी यू ब्लड ग्रुप जो है ये डिस्क्राइब करता है ऑल द ऑफ ह्यूमन ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथैलमस कंटेन्ब्रल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड आंसर इज पिच्योरी ग्लैंड सो ये थे क्वेश्चन इसके आ, ये क्वेश्चन थे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के अभी करते हैं डिजीजिज के क्वेश्चन फ्रेंड्स द फोल्डिंग इज अ डेफिशेंसी डिजीज कौन सा है इसमें से जॉन्डिस है कैंसर है स्कर्बी है तो अगर बात करें डेफिसंसी डिजीज की तो स्कर्बी इज़ अ डेफिशेंसी डिजीज़ पोलियो माइलिटिस इज स्प्रेड बाय तो आंसर इज वायरस पोलियो माइलिटिस इज स्प्रेड बाय वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉक्सिसिटी ऑफ डैश आंसर इज ऑप्शन सी द टॉक्सिसिटी ऑफ कॉपर लीड्स टू लिवर साइरिस The toxicity of copper leads to liver cirrhosis. Next question is the deficiency of which of the following vitamin leads to bent limb bone in children? So vitamin D. The deficiency of vitamin which vitamin? The deficiency of vitamin D leads to bent limb bone in children. Next question is patients suffering from dash are or recommended oral rehydration therapy. So patients suffering from लरा आर रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो बिजन इन द इवनिंग एंड नाइट रिजल्ट फ्राम द डेफेंसी ऑफ क्यों होता है वो वो होता है विटामिन ए की वजह से ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज विटामिन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट बोर्न डिजीज यहाँ पे मलेरिया है येलो फीवर है डेंगू है ये सारे के सारे केसें हैं इंसेक्ट बोर्ने हैं बट वेरी वेरी इज नॉट एन इंसेक्ट बोर्न डिजीज सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्विंग डिजीज इज काज ड्यू टू बैक्टीरिया तो मलेरिया है एड्स है मम्प्स है ये तो बैक्टीरिया से नहीं फैलता है बट ट्यूबर क्लोसिस जो है ये किससे फैलता है बैक्टीरिया से फैलता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काला आज फीवर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ तो जो काला आजर फीवर है वो कैसे ट्रांसमिट होता है किसके काटने से होता है सैंड फ्लाई इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जानिस जॉंडिस इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ किसका का लीवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सिक्स इज इन मैन काजेज एनीमिया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग येलो फीवर आंसर इज आइडस ठीक है आई आइडिस इज द राइट आंसर फॉलोइंग इज रिस्पॉसिबल फॉर स्प्रेडिंग येलो फीवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन हैविंग कलर ब्लाइंडनेस बिल सी रेड एज अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो वो जो मनुष्य है वो जो प्राणी है वो क्या करता है रेड को ग्रीन देखता है वो ठीक है सी रेड एज ग्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क चीज़ एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज तो इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटल कैरीज डेंटल कैरीज आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आंसर इज फ्लोरीन सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर फ्रेंड्स सिर्फ दो दिन का टाइम रह गया है अच्छे से रिवाइज़ कीजिए जितने क्वेश्चन हो सके उतने रिवाइज़ कीजिए बट एक चीज़ कहना चाहूँगा स्ट्रेस मत लीजिए ठीक है पेपर आपका अच्छा होगा बट फर्स्टली रिमूव ऑल द स्ट्रेस बिकॉज यू नो स्ट्रेस जो है इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनिथिंग पेपर आपने अच्छा करना है बट स्ट्रेस रख के दिल में जो है कोई भी टेंशन रख के पेपर देने के लिए मत जाना ठीक so, है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर